हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे। और आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग के अंदर। तो गाइस, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, घर का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है और आज मैं बना रही हूँ सिंपल सी एक सादी खिचड़ी जो 15 मिनट के अंदर आपका रेडी हो जाएगा। तो मेरा बहुत ही मन कर रहा था सादा खिचड़ी, गुजराती खिचड़ी खाने का, तो मैं बना रही हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसके अंदर प्याज काट लेनी है आपको, 2-3 पीस प्याज काट लेनी है। मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, 3-4 लोगों के लिए। तो मैंने थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए प्याज की, तो 4 कली मैंने प्याज की ली है और मैंने प्याज काट रही हूँ। और करी पत्ता भी साइड में मैंने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और आप अगर तीखा पसंद करते हैं तो मिर्ची आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही मिर्ची मैं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट लिए और प्याज सब काट लिया है, अब उसको मैं धो रही हूँ। धोने के बाद इसको हम साइड में निकाल लेंगे, पत्ते भी हैं। और यहाँ पे मैंने गैस चूल्हा मैंने जला लिया है, कुकर के अंदर बनाएंगे। तो आप वैसे सिंपल बर्तन में भी बना सकते हैं, भगोने में, और कुकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कुकर में बना रही हूँ। और अगर आप जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो तेल के अंदर आप बना सकते हैं। हमारे घर पे राई का तेल इस्तेमाल होता है तो वो मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद यहाँ पे चावल, जो चावल आप इस्तेमाल करते हैं घर पे, वो चावल आप थोड़ा ले लीजिएगा, आपके अनुसार लीजिएगा। जितने भी मेंबर्स के लिए आप बना रहे होंगे, तो मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने इतना ले लिया है। और अब इसके अंदर थोड़ा सा जो मूंग दाल होती है हरी वाली, वो आपको ख़रीद लेना है, घर पे भी आपके होगा तो वो आपको मूंग दाल इसके अंदर मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखो, मैंने जो धोया था ना प्याज, वो मैंने साइड में निकाल लिया है। फिर उसके बाद जो चावल है वो साइड मैंने रख लिया हुआ है। अब हम लोग प्रेशर कुकर के अंदर अपना तेल मैंने डाल ही दिया है, तेल गर्म हो गया है। अब हम थोड़ा जीरा डालेंगे इसके अंदर, देख सकते हैं जीरा मैं डाल रही हूँ। तो आप अपने अनुसार जितने भी क्वांटिटी के लिए बना रहे होंगे उतना आप भी डाल सकते हैं। तो देखो ये जीरा, अब जैसे थोड़ा ये ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर प्याज, अपना करी पत्ता डालेंगे, मिर्ची देखो मैंने डाला है जो एक काटा था, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर अपना करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता ये मैंने डाल दिया है। उसके बाद जो प्याज काट के रखे हैं वो प्याज डाल दूँगी। ये सारे प्याज मैंने डाल दिए इसके अंदर। और प्याज डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे और लगभग हम इसे लगभग 2-3 मिनट तक भूजेंगे कि ताकि ये जो है थोड़ा ब्राउनिश हो जाए, ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा गल जाए। ठीक है, तो ये हमारा चावल और मूंग दाल है इसके अंदर हरी वाली। और ये छाछ के साथ ये सादा वाला खिचड़ी खाने में ना बहुत मज़ा आता है। तो ये छाछ हमारा रेडी हो चुका है, छाछ भी आ गया है। अब इसको साइड में हम लोग रख देते हैं। और अब हम चावल जो है, चावल और मूंग दाल, इसको हम लोग धो लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ऐसे धो लीजिएगा बराबरी से। और धोने के बाद जो हम ग्रेवी अपना रेडी कर रहे हैं, प्याज जो भूज रहे हैं, उसके अंदर हम इस चावल को डाल देंगे। देखो ये पानी मैंने निकाल दिया है चावल का, ठीक है, इस तरह आपको भी निकाल लेना है। और यहाँ पे जो हमारा प्याज है, देखो थोड़ा ब्राउन जैसा हो गया है, पक गया है थोड़ा ना, ज़्यादा आपको जलाना नहीं है, सिर्फ सो गलाना है, ब्राउन करना है। तो ये हमारा हो चुका है थोड़ा। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे अपना चावल, मूंग दाल जो धोया है हमने वो पूरा हमने डाल दिया।
देखो चावल हमने डाल दिया है और अब इसे हम थोड़ा चला लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा हम हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद थोड़ा और इसे हम चला लेंगे। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। जितना हमारा चावल है उससे दो उंगुल ऊपर तक पानी आना चाहिए। तो देखो इसके अंदर हमने पानी भी डाल दिया है। आपको अपने अंदाजे से पानी डालना है ताकि गीला ज़्यादा ना होके और अच्छे से बन जाए। देखो मैं बनाती हूँ इसलिए मुझे अंदाज़ा है, इसके हिसाब से मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और ये सिंपल सी हमारी जो खिचड़ी है वो रेडी हो जाए।